अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरसलान और आप देख रहे हैं चैनल टेक एंड सीन। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना व्हाट्सएप पे किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। यानी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो दूसरे आप साथ वाले बंदे को ना पता चले कि किससे बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप उसे अपने से हाइड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हाइड कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आपको पूरी समझ ना आए तो फिर कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर कुछ समझाऊँ बगैर टाइम देकर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर आपने देखना है हाइड व्हाट्सएप। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐप मिल जाएगी। यहाँ पर एक ऐप है, 3.7 इसकी रेटिंग है। थोड़ी सी रेटिंग कम है लेकिन ऐप ज़बरदस्त है। तो सर, इस ऐप को कर लेते हैं इंस्टॉल और देखते हैं कि इस ऐप में ऐसा है क्या जिससे हमारा दोस्त जिससे हम बात कर रहे हैं और किसी को बताना नहीं चाहते, उसका नाम कैसे हाइड होगा। तो दोस्तों, ये ऐप हो रही है इंस्टॉल और हम करते हैं थोड़ा सा वेट। दोस्तों, ये 2 MB की ऐप थी, अब होगी इंस्टॉल और इसकी तकरीबन रेटिंग भी थोड़ी ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। दोस्तों, इसके दो फायदे हैं। एक तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सिक्योरिटी को डबल कर देती है, यानी कोई भी बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता आपके व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में दाखिल मतलब थोड़ा बहुत ही मुश्किल है, लेकिन शायद कोई पहुँच भी सके। तो दोस्तों, ऐसे कर लेते हैं ओपन और यहाँ पर कंटिन्यू। दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे स्टार्ट करा है। दोस्तों, सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, कस्टमाइज और फेक लॉक। फेक लॉक आप करेंगे तो क्या होगा, जब ये आपके सामने ये बटन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा व्हाट्सएप। इसके बगैर क्लिक किए बगैर आप व्हाट्सएप को यहाँ से ऊपर स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करके ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों, आप देख सकते हैं कस्टमाइज। कस्टमाइज़ में आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आप किसी का नाम लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ फेक नेम और यहाँ पे इसे कर लेते हैं ऐसे। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपने इसे 22 पे ले आना है। यहाँ पर दोस्तों, इसे 22 पे रखते हैं। और अगर आप फोटो नहीं शो करना चाहते तो कोई बात नहीं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे कर लें टाइपिंग पे। अगर आप किसी खास दोस्त से बात कर रहे हैं, यानी आप किसी को बताना नहीं चाहते उस दोस्त के बारे में, तो ये आपके लिए ऐप बहुत ज़बरदस्त है अगर साथ वाले दोस्त आपको तंग करें तो। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस लड़के से बात करना चाहता हूँ, तो उस व्हाट्सएप के सीक्रेट बटन को मैंने कर देना है ऑन। दोस्तों, यहाँ पर बैक जाते हैं और उसी ऐप में वापस जाकर हमने इसे कर देना है स्टार्ट। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके आएंगे दोबारा, यहाँ पर हमने कर दिया स्टार्ट। या हम सेटिंग में जाकर हमने परमिशन कुछ अलाउ कर देना है और उसके बाद हमें मिल जाएगी परमिशन। यहाँ से परमिशन कर लेते हैं इनेबल और चलते हैं बैक। दोस्तों, आप यहां से स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको बटन नज़र आना शुरू हो गया होगा। आप चलते हैं अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाकर कैसे अपने दोस्त को हाइड करना है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप यहां पर सिंपली, ये मेरा दोस्त है, इसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों इसका नाम बिल्कुल गायब हो चुका है और यहाँ पर टाइपिंग लिखा हुआ है और आपको मैसेज करता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।